जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। श्याम भक्तों, जब जीवन में हर तरफ से अंधेरा दिखता है, तब कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तब हम इस संसार, यार, रिश्तेदारों की तरफ देखने लग जाते हैं कि शायद कोई हमारी मदद कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर कोई मुसीबत के समय अपना मुंह फेर लेता है। यदि इन सभी की जगह अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं, तब प्रभु से बढ़कर मददगार, उससे बड़ा चाहने वाला और कोई नहीं हो सकता है। यह हमारे प्रारब्ध ही है जो हमें उस परमात्मा से अलग कर देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो संसार की तरफ नहीं बल्कि भगवान की तरफ ध्यान रखे। और प्रभु को चाहना है तो उनके साथ एक रिश्ता बनाकर निरंतर उनका नाम जप करते रहिए। फिर देखिए भगवान अपने उस रिश्ते को कितना अच्छे तरीके से निभाते हैं। प्रभु के नाम जप से आपका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होगा। तब आपको भगवान के जिस भी नाम से प्रेम हो, उसी नाम को निरंतर जपना शुरू कर दो। फिर देखिए आपके जीवन के सारे अंधेरे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। आपका केवल भला ही होता है। प्रभु से केवल भक्ति मांगिए, सांसारिक चीजें नहीं, वो तो आपको अपने आप ही मिल जाएगी। भगवान भी वही करते हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छा होता है। ऐसा हो सकता है कि जो आप मांग रहे हैं उससे आपके भविष्य में कुछ गलत होने वाला हो, तब भगवान आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो मनाली में रहने वाली गीता जी की है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि श्याम नाम से वो सब कुछ हो सकता है जो आपकी कुंडली में भी नहीं होता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गीता जी ने बताया, मैं मनाली में रहती हूँ, मेरी उम्र लगभग 26 वर्ष है। मेरी शादी 2023 में ही हुई है। तब शादी से पहले मेरी कुंडली एक पंडित जी को दिखाई थी। तब पंडित जी ने बताया था कि इस लड़की की शादी जल्दी नहीं होगी। इसके ग्रहों के योग कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि 30-35 की उम्र में जाकर इसकी शादी होगी। साथ ही बताया कि शादी के बाद ससुराल वालों के साथ इसकी नहीं बनेगी, जिसके कारण यह दुखी रहेगी और जीवन में बहुत कष्ट भी आएंगे। तब ये बात सुनकर मेरी मम्मी को बहुत दुख हुआ। फिर मेरी कुंडली अलग अलग पंडितों को भी दिखाई। तब सभी पंडितों ने यही बात बताई और फिर जिसके बाद पंडितों ने जो उपाय बताए वो भी किए। काफ़ी पैसा खर्च हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब मेरे माता पिता, भाई बहन सब लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि मेरी शादी की बात कहीं पर भी नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण मेरे पिताजी को बीपी की शिकायत हो गई। मैं बहुत परेशान थी, जिसके कारण मैं डिप्रेशन की ओर जाने लगी। अकेले में बहुत रोती थी और प्रभु से कहती थी कि किस्मत में यही लिखा था, तब मुझे जन्म ही क्यों दिया। रात में मुझे सही से नींद भी नहीं आती थी। एक दिन मैं फोन पर अपनी मासी से बात कर रही थी। उस दिन वो खाटू धाम में थी, बाबा के दर्शन करने के लिए गई हुई थी। हम लोग भी गए थे 2021 में खाटू धाम, और तब से ही मैं उनकी पूजा करती हूँ। पर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं पूजा में कोई गलती कर रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता था कि बाबा श्याम की पूजा कैसे की जाती है। पर जैसे हम बाकी भगवानों की पूजा करते थे, वैसे ही बाबा श्याम की भी पूजा करती थी। तब मेरी मौसी ने आपकी वीडियो का लिंक शेयर किया। तब मैंने बाबा श्याम की पूजा की विधि वाली वीडियो को देखा और साथ ही मैं प्रेमानंद महाराज जी के भी प्रवचन सुना करती थी। फिर मैंने आपके चैनल पर भी श्याम भक्त के साथ चमत्कार वाली एक सत्य कहानी देखी, जिसको सुनकर मन को काफी शांति मिली। और साथ ही महाराज जी भी नाम जप करने को बोलते थे और आपने भी बाबा श्याम के नाम का जप करने को बोला। तब निरंतर श्याम नाम का जप करने से हमारे जीवन के प्रारब्ध, जिनके कारण हमें कष्ट मिलता है,
वो सभी समाप्त हो जाते हैं। तब मैंने सोचा कि खाटू वाले बाबा श्याम की तो मैं पूजा करती हूँ और उनको ही मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ, और साथ ही मैं श्याम नाम का जप करना भी शुरू कर दूं, क्योंकि ये तो हारे का सहारा है। तब आपने बोला हुआ था कि भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करने से जीवन की सारी समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाती है। फिर मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरा नाम जप मानसिक रूप से शुरू हो गया। मुझको आनंद मिलने लगा। लगभग 3-4 महीने के बाद मुझे बाबा श्याम के दर्शन हुए। फिर उसके बाद मुझे बाबा श्याम 2-3 दिन में दर्शन देने लगे, जिसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लगभग 5 महीने के बाद मेरे पापा जी के फूफा जी आए और उन्होंने एक रिश्ता बताया। फिर मेरे पापा जी फूफा जी के साथ जाकर लड़के को देखकर आए। तब लड़का पापा जी को पसंद आ गया और फिर हमारी शादी भी हो गई। तब मैं बहुत खुश थी। मैं क्या बताऊं कि बाबा श्याम की कृपा मुझ पर लगातार हो रही है। जब हम नाम जप करते हैं तब हमारे जीवन में प्रारब्ध के कारण जो कष्ट आने वाले होते हैं वो सब कट जाते हैं। मेरा निरंतर नाम जप चलता रहता है। शादी के बाद मेरी सासू माँ कुछ बिचल सी गई थी, लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो गई। वह उल्टा सीधा भी बोली, लेकिन मेरा श्याम नाम जप पर ही ध्यान रहता था। तब उसके बाद मेरी सासू माँ ने कभी कुछ नहीं बोला। तब ये बाबा श्याम का चमत्कार नहीं है तो फिर क्या है। आज मेरे ससुराल पक्ष के सभी सदस्य मुझसे खुश हैं और सभी से मेरी बहुत बनती है और सबका ध्यान रखती हूँ। मेरे कारण किसी का भी दिल ना दुखे, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देती हूँ। और मन से प्रभु का नाम जप करो। आपने अपनी वीडियो में बोला है कि तन से संसार की सेवा करो और मन से प्रभु का नाम जप करो। मेरे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं और अब मुझे विश्वास है कि बाबा श्याम के रहते मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। श्याम नाम लेने मात्र से ही मेरे अंधेरे जीवन में उजाला हुआ है। आज प्रभु के नाम जप करने से काफी लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहा है। आपकी वीडियो को देखने के बाद भक्तों का भाव और विश्वास बढ़ता है। संसार की माया तो मनुष्य को फंसाती है, केवल प्रभु का नाम ही है जो फंसे हुए मनुष्य को बाहर निकालती है। मेरी यही प्रार्थना है कि लोगों का भाव और विश्वास लगातार बढ़ता रहे। जीवन में चाहे जो भी कष्ट हो, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है और निरंतर नाम जप करते रहते हैं तब आपका जीवन सवर जाता है। तब बाबा श्याम की अति कृपा भक्तों पर बनी रहती है। संसार की सेवा तन से और भगवान की सेवा मन से करोगे तो कल्याण होकर रहेगा। जब प्रभु का नाम लेने से सभी पाप कट सकते हैं तो तब प्रभु का नाम लीजिए, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कष्ट है, हर मनुष्य के जीवन में तकलीफ है, मनुष्य कहीं ना कहीं परेशान रहता है। तब उसको नाम जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ना चाहते हुए भी उससे कभी ना कभी कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। तब प्रभु ही एकमात्र सहारा है जो आपके पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। यदि आपको आज की सत्य कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप खाटू के राजा श्याम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बाबा श्याम की सत्य कहानी और महिमा को सुन सकें। हारे के सहारे की जय, तीनवान धारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।